अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। बात जब आती है कि घर पे काला जादू हो गया या तुम्हारे ऊपर कोई अमल हो गया या तुम्हारे साथ कोई जन्नात चिमड़ गए हैं, तो घर वाले जिनका मानना या बिलीव बहुत ज़्यादा पुख्ता होता है वो ले जाते हैं पीर बाबों के पास। आजकल तो चप्पे चप्पे पे पीर बैठे हुए हैं, ऐसे पीर बैठे हैं, कोई नाबीना पीर बना हुआ है, कोई कुछ पीर बना हुआ है। फिर उन्होंने अपने पीर बनाने के चार कौन सी, चार नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने जो हैं वो नोट करते हैं। पहले तो वो किसी को देखेंगे, उसकी शक्ल देखते रहेंगे, उसके बाद उसकी शक्ल देख के कहेंगे तुम किसी बात से परेशान हो या तुम्हें कहीं धोखा मिला है, या फिर इसके अलावा होता है माली हालात ठीक नहीं है, घर में तुम्हें परेशानी है, बीवी के साथ मसला है, या कुछ भी चार मुख्तलिफ जो है ना बातें करके वो अगले की तवज्जो हासिल कर लेते हैं ताकि अगला बंदा उसकी बातों में आ जाए। जो तो थोड़े से क्लेवर होते हैं वो उनकी बातों में नहीं आते, बट जो लोग अपना थोड़ा सा भी इस बारे में लाइक भोलेपन में होते हैं या कुछ भी, वो समझते हैं इसने चार बातें की हैं जो कि हर पीर ने आजकल रटी हुई हैं। आपका दिल टूटा है, आपको धोखा मिला है, आपका महबूब आपसे रूठ गया है, आप इतने पैसे दें, इतना काम हम इस तरह से करेंगे और महबूब आपके कदमों में होगा, इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। और तब यकीन नहीं आता इंसान को कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं या हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किसके पीछे भाग रहे हैं। होते हैं बेशक, मैं भी ये कहती हूँ कि पीर भी होते हैं, कुछ लाइक बुज़ुर्ग भी होते हैं जिनके पास नूरी इल्म होता है, क्योंकि काला इल्म होता है, लेकिन क्या ये चीज़ें करना ठीक है? क्या किसी की लाइफ बर्बाद करना ठीक है? क्या किसी की हांडी चढ़ाना ठीक है? क्या आप लोग अपनी खार में आके एक जलसी के पीछे आप लोगों को बिल्कुल ऐसा कर देते हो कि यार नहीं, हमने इससे बदला लेना, हम ऐसे सामने होके तो नहीं ले सकते लेकिन हम काले इल्म के ज़रिए ले लेंगे। फिर जब सारे पीर बाबों की तरफ भाग जाएँ तो कोई आंखों में से चेन निकाल रहा होता है, कोई गले में से कील निकाल रहा होता है, फिर उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं कि तुम करते क्या हो, पता नहीं ये सच है झूठ है, क्या है क्या नहीं। आप लोगों के जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कितने ढोंगी पीर से आप लोग मिले हैं जो कि काम ऐसे नहीं होते, जितना भी आप सुनते हो या कुछ भी करते हो उसके ऊपर एक एफर्ट लगता है। और अगर ये चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, वैसे कहते तो हैं जादू बरहक है और ये पीर वगैरह भी बैठे होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, बट जितने भी पीर हैं उनमें से जो सही वाले जेन्युइन पीर है ना, आप उसके पीछे भागे, नहीं तो हर चप्पे पे आपको बनावटी पीर भी मिलेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाजिर हूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस के साथ किस किस्म का एक्सपीरियंस हुआ, ढोंगी बाबा आज तक किस किस को मिल चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।